अभी हम लोग मैथ्स के सेकंड चैप्टर का वर्कशीट नंबर फाइव सॉल्व करने वाले हैं इससे पहले हमने वर्कशीट नंबर वन से लेकर फोर तक सभी वर्कशीट के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है और आपको देखना है उन सारे वर्कशीट के वीडियोस, तो आप मैथ्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में ही आपको बाकी सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे जो कि मैंने अभी तक डी पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए बनाए हैं वहाँ पे सभी वीडियो सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज अलग अलग हैं तो आप कभी भी उन वीडियोज़ को आसानी से जाकर देख सकते हो उनको देखना और अगर आपके लिए वो हेल्पफुल लगते हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी तरह डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए डेली इस चैनल पर नए-नए वीडियोस आते रहते हैं वर्कशीट नंबर फाइव में सबसे पहले हमें डिवाइड करने को बोला गया है रैशनल नंबर्स के साथ हम लोग डिवीजन कैसे करते हैं यहां पे हम लोग सीखेंगे तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर वन में बोला गया पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं सबसे पहले तो इस डिवीजन को हम लोग मल्टीप्लीकेशन बना देंगे और उसके बाद ये जो डिवाइजर है ना हमारा इसका इनवर्स लिख देंगे यही रूल है इसका तो ये हो जाएगा टू बाई फाइव डिविजन बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन और माइनस वन बाई थ्री का रेसी प्रो या इनवर्स जो भी हम लोग बोल सकते हैं इसको तो ये हो जाएगा माइनस थ्री बाई वन अब इसको सॉल्व करना तो हम लोग सीखे थे पिछले वर्कशीट में अब यह आसानी से सॉल्व हो जाता है न्यूमरेटर न्यूमरेटर को निम्रेटर से हम लोग लो मल्टीप्लाई टू थ्री जा माइनस सिक्स हो जाएगा डिवाइड यहाँ पे फाइव वन जाए फाइव हो जाएगा तो यही आंसर हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें डिवाइड करना हो रेशनल नंबर्स के साथ तो हमें सिंपली क्या करना है डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई लिख देना है और जो डिवाइजर हमारा है यानी कि जिस संख्या से डिवाइड करना है जिस रैशनल नंबर से डिवाइड करना है उसका रेसी प्रोकल लिख देना है उसके बाद एक मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म पकड़ लेगा उसके बाद हमको मल्टीप्लाई कर देना है हमारा आंसर मिल जाएगा वैसे ही सबके साथ करेंगे यहाँ पे डिवाइड करना है हमें माइनस सेवन बाई फोर को डिवाइड करना है हमें वन बाई एट से तो ये क्या होगा ये बन जाएगा ऐसे माइनस सेवन बाई फोर मल्टीप्लाई एट बाई वन वन बाई एट को हम लोग लिख देंगे एट बाई वन अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना फोर वन जा फोर फोर टू एट यहाँ कैंसिल आउट होगा वहाँ कर देना है तो ये हो जाएगा सेवन टू जा फोर्टीन माइनस फोरटीन डिवाइड वन वन जा वन तो ये हो जाएगा माइनस फोर्टीन इसका आंसर ऐसे ही सबको सॉल्व करते जाना है थ्री नंबर में फिर दिया हुआ है माइनस टेन को डिवाइड करना है हमें वन बाई फाइव से तो ये हो जाएगा माइनस टेन मल्टीप्लाई वन बाई फाइव का रेसिप्रोकल हो जाएगा फाइव बाई वन तो ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा टेन फाइव जा फिफ्टी माइनस फिफ्टी इसका आंसर हो गया उसके बाद फोर्थ को भी बना सकते हैं इसको ऐसे करके वन बाई थर्टीन को हमें डिवाइड करना है किससे माइनस टू से तो ये हो जाएगा वन बाई थर्टीन मल्टीप्लाई माइनस वन बाई टू माइनस टू का रेसिप्रोकल माइनस वन बाई टू हो जाएगा उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई नीचे थर्टीन टू जाए ट्वेंटी सिक्स माइनस वन बाई ट्वेंटी सिक्स इसका आंसर हो जाएगा तो डिवीजन बहुत इजी है ऐसे ही हम लोग को सब क्वेश्चन के साथ करना है अगर हमें डिवाइड करने के लिए बोला जाए सबसे पहले हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद जो डिवाइडर होगा हमारा उसका रेसी प्रोकर लिख देंगे और फिर मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर मिल जाएगा टू नंबर क्वेश्चन में हमें बोला गया है बाई टेकिंग एक्स इक्वल टू थ्री बाई फोर एंड वाई टू माइनस फाइव बाई स तो ये तो हर नंबर के लिए वैलिड होगा हम लोग एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें और दूसरे नंबर को पहले नंबर से डिवाइड करें तो दोनों केस में ना आंसर अलग, अलग अलग आएगा दोनों आंसर सेम नहीं होगा ये हम लोग बचपन से जानते हैं जैसे कि अगर हम लोग टू डिवाइड बाई थ्री करें तो आंसर कुछ और आएगा और थ्री डिवाइड बाई टू करें तो आंसर कुछ और आएगा दोनों इक्वल नहीं होगा तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू जो दिया हुआ है ना उसी को हम लोग इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे और हम लोग प्रूव करके बता देंगे कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है सही है तो सबसे पहले तो हम लोग x डिवाइड बाई वाई करेंगे एक साइड में और एक साइड में y डिवाइड बाई एक्स करेंगे और देखेंगे दोनों सेम आता है या नहीं यहाँ पे x का वैल्यू दिया है थ्री बाई फोर डिवाइड बाई माइनस फाइव बाई सिक्स और इधर क्या करना पड़ेगा उसका उल्टा यहाँ माइनस फाइव बाई सिक्स डिवाइड बाई एक्स का वैल्यू क्या है थ्री बाई फोर तो दोनों साइड आंसर अलग अलग आएगा ये होगा थ्री बाई फोर डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई और माइनस फाइव बाई सिक्स हो जाएगा सिक्स बाई माइनस फाइव या माइनस सिक्स बाई फाइव भी लिख सकते हैं ये हो जाएगा टू ये हो जाएगा थ्री 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 या नाइन बाई फाइव टू या टेन माइनस टेन तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस नाइन बाई टेन अब इधर देखते हैं क्या आंसर आता है इसको सॉल्व करते हैं माइनस फाइव बाई सिक्स ये मल्टीप्लाई बन जाएगा और ये फोर बाई थ्री हो जाएगा तो यहाँ पे भी कैंसिल आउट होगा ये टू हो गया ये थ्री हो गया टू से कट गया उसके बाद फाइव टू माइनस में और थ्री थ्री जार नाइन तो माइनस टेन बाई नाइन इसका आंसर हुआ तो यहाँ पे कुछ अलग नंबर आ रहा है इस इस साइड साइड में में और में कुछ अलग नंबर आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस और इसीलिए हम लोग को जो प्रूव करने के लिए बोला गया था वो भी प्रूव हो गया मतलब एक्स डिवाइड बाई वाई इज नॉट इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एक्स इट इज प्रूव्ड हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आगे जो क्वेश्चन नंबर थ्री है बहुत इजी है इसको बस हम लोग को अच्छे से रीड करना पड़ेगा और इसमें जो भी बोला गया है उसको बस फॉलो करना है इसका आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ पे बोला गया द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज माइनस थ्री बाई सेवन कोई दो रैशनल नंबर है कोई भी दो रैशनल नंबर हो सकता है उसका प्रोडक्ट माइनस थ्री है इफ वन ऑफ द नंबर इज फाइव बाई अगर दोनों में से कोई एक नंबर फाइव बाई हो फाइन द अदर तो दूसरा नंबर क्या होगा तो ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग बहुत सारा बनाए थे इसमें से कोई एक फाइव बाई टी वन है इसी में लिख दिए तो ये जो अननोन नंबर है इसी को तो हमें फाइंड करना है मतलब X यहां पे लिखना पड़ेगा जो अननोन होता है उसको हम लोग एक्स लिखते हैं मेथड से तो यहाँ पे एक्स इंटू फाइव बाई ट्वेंटी टू माइनस थ्री बाय सेवन तो हमें चाहिए एक्स का वैल्यू तो एक्स को हम लोग एक साइड में रखेंगे और इसको उस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस थ्री बाई सेवन और इधर फाइव बाई ट्वेंटी वन मल्टीप्लाइड था एक्स, तो इधर हो जाएगा डिवाइड फाइव बाई ट्वेंटी वन अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकाले निकालने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा और ऐसा डिवीजन सॉल्व करना अभी हम लोग जस्ट सीखे हैं तो ये हो जाएगा माइनस थ्री बाई सेवन मल्टीप्लाई बन जाएगा डिवाइड और ये हो जाएगा ट्वेंटी वन बाई फाइव तो यहाँ पे सेवन वन या सेवन सेवन थ्री ट्वेंटी वन और तो नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा थ्री थ्री या नाइन माइनस में और यहाँ पे फाइव 5 फाइव 5, मतलब ही ही वो है, -9 by 5 ही वो नंबर नंबर है है जिसको 5 by 21 से मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो थ्री बाई सेवन माइनस में आंसर आएगा आप यहाँ पे माइनस नाइन बाई फाइव अगर पुट करके वेरीफाई भी करना चाहोगे तो आप कर सकते हो माइनस नाइन बाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव बाई ट्वेंटी वन करने पे माइनस थ्री बाई सेवन ही आंसर आएगा

सिंपल चीज़ है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एक्स पुट कर देंगे पहले माइनस थर्टी सिक्स बाई थर्टी फाइव और जो अननोन प्लेस है ना वहाँ पे एक्स पुट कर देंगे इक्वल टू हो जाएगा माइनस सिक्स बाई फाइव अब एक्स के साथ ये मल्टीप्लाइड है इधर माइनस थर्टी सिक्स बाई फाइव उधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा हम लोग अलजेब्रा जब पढ़े थे तो वहाँ पे सीखे थे ये सब क्लास सिक्स में ही अलजेब्रा हमने पढ़ा था तो यहाँ पे ये यह हो जाएगा माइनस सिक्स बाई फाइव और डिवाइड बन जाएगा ये माइनस थर्टी सिक्स बाई फाइव इसको हम माइनस थर्टी सिक्स बाई थर्टी फाइव है इसको हमने उधर भेज दिया इक्वल टू के उस साइड तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस सिक्स बाई फाइव और ये डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई और ये बन जाएगा थर्टी फाइव माइनस में बाई थर्टी सिक्स इसका रेसी प्रोकल सेकेंड वाले का डिवाइजर का रेसी प्रोकल हम लोग करते हैं अब यहाँ पे सिक्स से कट जाएगा सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स फाइव सेवन जा थर्टी फाइव यहाँ पे माइनस में है और माइनस में तो प्लस में सेवन इसका आंसर आ जाएगा ऊपर और नीचे इसका आंसर सिक्स तो यहाँ पे सेवन बाई सिक्स इसका फाइनल आंसर होगा इसका मतलब ये हुआ कि सेवन बाई सिक्स ही वो रेशनल नंबर है जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तब माइनस सिक्स बाई फाइव आंसर आएगा आप इसको यहाँ पे पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हो क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें तीन अलग अलग इक्वेशंस दिया गया है और इसमें हमें x का वैल्यू y का वैल्यू और z का वैल्यू पुट करना है और हमें बताना है कि एल एच एस का वैल्यू जो है वो आर एच एस के वैल्यू के इक्वल है या नहीं और अगर इक्वल होगा जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि इक्वल है अगर हमारा भी इक्वल आ गया तो हम लोग लिख देंगे यस दे आर इक्वल और अगर इक्वल नहीं हुआ जैसे कि यहाँ पे बताया गया है और हमारा भी इक्वल अगर नहीं आया तो हम लोग लिख देंगे यस दे आर नॉट इक्वल तो ऐसे ही हम लोग को तीनों के साथ करना है तीनों में एक्स वाई और जेड का वैल्यू पुट करना है तो सबसे पहले वन नंबर में करते हैं वन नंबर में क्या है एक्स डिवाइड बाई वाई प्लस जेड इस और एक साइड में क्या है एक्स डिवाइड वाई प्लस एक्स डिवाइड जेड तो हम लोग दोनों का वैल्यू सेपरेटली निकालते हैं और देखते हैं दोनों बराबर आता है यानी इस साइड में क्या है एक्स की जगह माइनस फाइव बाई थ्री डिवाइड वाई की जगह क्या है टू बाई सेवन और बीच में प्लस है और जेड की जगह पे क्या है माइनस वन बाई फोर वन बाई माइनस फोर को माइनस वन बाई फोर भी लिख सकते हैं इसमें कंफ्यूज मत करना तो ये हो जाएगा माइनस फाइव बाई थ्री डिवाइड अंदर तो सॉल्व करना पड़ेगा एलसीएम हो जाएगा सेवन फोर जा ट्वेंटी एट और यहाँ पे फोर टू जाए प्लस सेवन वन जा सेवन माइनस सेवन तो ये हो जाएगा इक्वल टू इक्वल टू दे, दे देते हैं यहाँ पे माइनस फाइव बाई थ्री डिवाइडेड बाई एट माइनस सेवन हो जाएगा प्लस माइनस माइनस बन जाएगा तो ये हो जाएगा एट माइनस सेवन मतलब 1 28. अब अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा उसका मल्टीप्लाई ट्वेंटी थ्री वन जा थ्री थ्री से ट्वेंटी एट कटेगा क्या नहीं कटेगा तब तो यहाँ कैंसिल आउट नहीं करना पड़ेगा फाइव से एट फाइव एट जा फोर्टी का जीरो बचा फोर फाइव टू जा टेन और फोर फोर्टीन वन फोर्टी बाई थ्री इसका आंसर आया

पहले तो डिवाइड होता है ना बोर्ड मास के अनुसार तो पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे उसके बाद एडिशन करेंगे ये भी ध्यान देना है तो ये हो जाएगा माइनस फाइव बाई थ्री मल्टीप्लाई सेवन बाई टू टू बाई सेवन क्या बन गया सेवन बाई टू और डिवाइड बन गया मल्टीप्लाई उसके बाद फिर बीच में प्लस और माइनस फाइव बाई थ्री ये डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई और ये बन जाएगा माइनस फोर बाई वन माइनस बाई फोर था उसका रेसिप्रोकल लिख दिए अब सेवन फाइव जाए थर्टी फाइव बाई सिक्स प्लस ये माइनस में होगा और यहाँ पे फिर फाइव फोर जाए ट्वेंटी ट्वेंटी बाई थ्री अब दोनों का एलसीएम आएगा सिक्स 3, 3 और, और जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर तो, तो यहाँ पे प्लस में फोर्टी और माइनस में थर्टी फाइव है इसलिए फाइव ऊपर में बचेगा और नीचे सिक्स मतलब फाइव बाई इसका आंसर हुआ लेकिन इधर तो माइनस वन फोर्टी बाई थ्री आ रहा था यहाँ पे फाइव बाई सिक्स आंसर आ रहा है तो हम लोग नीचे इसके नीचे जगह नहीं है ऊपर लिख देते हैं हम लोग लिखेंगे एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आया वो राइट हैंड साइड वाले वैल्यू के इक्वल नहीं है सो एक्स डिवाइड यही वाला हम लोग इक्वेशन लिख देंगे उसके बाद लिख देंगे प्रूव्ड सेम इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे लिख देना है नीचे में एक्स डिवाइड वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू एक्स डिवाइड वाई प्लस एक्स डिवाइड जेड ये हमें नीचे लिख देना है फाइव का टू नंबर भी सेम टाइप का है लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे माइनस की जगह प्लस था पिछले क्वेश्चन में और यहाँ पे एक्स प्लस जेड लिखा है तो वहां पे क्या था वाई एक्स के जगह वाई था शायद ही स्प्रिंट भी हो सकता है लेकिन वाई यहाँ पे भी होना चाहिए उस हिसाब से तो यहाँ पे जो भी दिया है उस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे और इस केस में भी हमारा दोनों साइड का वैल्यू इक्वल नहीं आएगा इक्वल डेफिनेटली नहीं आएगा आपको बस पुट करना है यहाँ पे सॉल्व करना है इसको आप खुद से करना हम थ्री नंबर बना देते हैं क्योंकि ये सेम प्रूव करना है तो दोनों में हम लोग एक्स वाई और जेड का वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारा वैल्यू सेम आता है या नहीं एक साइड में क्या गिवन है एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई जेड और एक साइड में गिवन है एक्स डिवाइडेड बाई जेड प्लस वाई डिवाइडेड बाई जेड तो दोनों साइड हम लोग पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं यहाँ पे x का वैल्यू गिवन है 5 3, y का वैल्यू और डिवाइड करना है इसको z से मतलब 1 4 से मतलब और इस साइड में पुट कर ही लेते हैं बाद में सॉल्व करेंगे इस साइड में x का वैल्यू पुट करेंगे माइनस थ्री बाई माइनस फाइव बाई थ्री डिवाइडेड बाई जेड का वैल्यू है फिर बीच में प्लस और y का वैल्यू टू बाई सेवन और फिर डिवाइडेड बाय जेड का वैल्यू वन बाई माइनस फोर अब सॉल्व करते हैं दोनों साइड पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले तो ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा दोनों का एलसीएम हो जाएगा ट्वेंटी वन और यहाँ पे सेवन फाइव जाए माइनस थर्टी फाइव फिर प्लस थ्री टू जाए सिक्स और यहाँ पे डिवाइडेड बाई वन बाई माइनस फोर अब यहाँ पे क्या होगा थर्टी फाइव और सिक्स ये दोनों मिलके माइनस ट्वेंटी नाइन बाई ट्वेंटी वन बन जाएगा और डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई और वन बाई माइनस फोर बन जाएगा माइनस फोर बाई वन तो यहाँ पे रेसी प्रोग हमने कर दिया डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाए इसीलिए अब उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वेंटी नाइन फोर जा हो जाएगा वन वन सिक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे ट्वेंटी वन जा यहाँ पे दोनों नेगेटिव था इसीलिए प्लस में आंसर आया अब देखते हैं कि क्या इस साइड में भी सॉल्व अगर हम लोग करेंगे तो क्या सेम आंसर आता है 1, 1, 21 आता है या नहीं तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस फाइव पहले हमें यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करना होगा फिर इन दोनों को सॉल्व करना होगा

यहाँ पे 70 uh, 7 और uh, 720 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 140 फिर माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बन जाएगा और यहाँ पे 38 24 होगा तो 140 में से 24 घटा इसका मतलब 116 बचेगा by 21 तो दोनों साइड में हम लोग देख सकते हैं कि 116 by 21 ही आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे LHS is equal RHS हम लोग ये प्रूव कर दिए और इस हिसाब से ये वाला इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गया, ये वाला इक्वेशन भी प्रूव हो गया जेड प्लस वाई डिवाइडेड बाई जेड इट इज इट इज प्रूव ऐसे करके हमें स्टेटमेंट लिख देना है अब सॉल्व करते हैं इस वर्कशीट के सबसे अंतिम क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर सिक्स को इसमें बोला गया है फ्रॉम अ रोप ऑफ लेंथ फोर्टी मीटर्स एक रस्सी है जिसकी लंबाई है फोर्टी मीटर्स अ मैन कट इक्वल साइज पीसेस एक आदमी इसमें से इक्वल इक्वल पीस काट लेता है ठीक है इसको बराबर बराबर भागों में रस्सी को काट देता है हाउ मेनी पीसेस कैन बी कट आउ कट इफ पीस इज ऑफ फोर बाई नाइन मीटर लेंथ अगर हर पीस का लंबाई फोर बाई नाइन मीटर है हर पीस का लंबाई फोर बाई नाइन मीटर है तो कितना पीस इसमें से काटा जा पाएगा यही हमें बताना है तो जब हर पीस का लंबाई फोर बाय नाइन है तो जितना भी पीस काटा जाएगा उससे जब फोर बाय नाइन को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो फोर्टी मीटर कंप्लीट हो जाना चाहिए है कि नहीं मतलब फोर बाय नाइन को प्लस फोर बाय नाइन को प्लस फोर बाय नाइन को जितना भी पीस होगा उतना टाइम्स अगर एड कर दिया जाए तो फोर्टी मीटर कंप्लीट हो जाना चाहिए ना तो उसी चीज को हम लोग फॉलो करके इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर लेंगे अब देखो ध्यान से हमें यहाँ पे पता नहीं है कि कितना पीस काटा गया है तो हम लोग लिख देंगे ऑफ पीस इज एक्स मान लेते हैं कि एक्स पीस काटा गया इस रस्सी का तो जितना भी पीस काटा गया अगर उसको फोर बाय नाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे फोर बाय नाइन को उतना टाइम अगर हम लोग ऐड कर देंगे एक्स टाइम तब तो फोर्टी आ जाना चाहिए क्योंकि उसी रस्सी को काट के ना पीस पीस में बांट दिया गया है तो हम लोग उस हिसाब से बोल सकते हैं कि फोर बाई नाइन इंटू एक्स ठीक है नंबर ऑफ पीसेस शुड बी टू फोर्टी मीटर ठीक है एक रस्सी का लंबाई फोर बाई नाइन है और x टुकड़ा है रस्सी का तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टी आ जाना चाहिए तो हमें यही चाहिए नंबर ऑफ पीसेस हमें चाहिए तो एक्स विल बी इक्वल टू फोर्टी डिवाइडेड बाय फोर बाई नाइन यहाँ पे फिर डिवीजन का एप्लीकेशन आ गया जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हमें मिल जाएगा फोर्टी मल्टीप्लाई नाइन बाई फोर ये फोर बाई नाइन क्या बन जाएगा नाइन बाई फोर बन जाएगा क्योंकि हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया है अब ये हो जाएगा फोर्टी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा ना फोर बन जाए फोर फोर टेन या फोर्टी अब टेन नाइन जा नाइन्टी अब इसका मतलब ये हुआ कि नाइन्टी पीसेस में इसको डिवाइड किया होगा इसको नाइन्टी पीसेस में डिवाइड किया होगा तभी ना एक पीस का लंबाई 4/9 आया जब 40 मीटर के रस्सी को 90 पीस में डिवाइड किया गया तभी तो एक रस्सी का लंबाई 4/9 आया होगा ना तो उस हिसाब से तो हमारा आंसर सही है तो इसीलिए इसका जो फाइनल आंसर होगा नंबर ऑफ पीसेस जो हम लोग को पूछा गया था वो हो जाएगा 90 तो यहाँ तक हमने इस वर्कशीट के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया आई होप जितना क्वेश्चन मैंने यहां पे समझाया आपको सभी अच्छे से समझ में आया होगा और अगर एग्ज़ाम में इन सब में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे अगर आप इन सारे क्वेश्चन आंसर का पी डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट डी ए बब्ल्यू डॉट इन पर जा सकते हो यहाँ पे बस आपको चैप्टर का नाम सर्च करना होगा और आपको हर वर्कशीट का पी डाउनलोड करने का लिंक वहाँ पर मिल जाएगा अगर आप मुझसे कोई भी डाउट डायरेक्टली पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो उसको भी एक बार आप जरूर चेकआउट कर लेना आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ एक नए वर्कशीट के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो